सो हेलो एवरीवन, दिस इज सी एस अनित सराफ, योर फ्रेंड, मेंटर एंड कोच फॉर ऑडिट एंड लॉ। एंड जैसे कि आप सबको पता है कि इंस्टीट्यूट ने, हमारे इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ने अभी कुछ टॉपिक्स एक्सक्लूड करा था हमारे सिलेबस से। पहले वो जो टॉपिक्स हैं वो न्यू सिलेबस से एक्सक्लूड करे थे, और उसके बाद ओल्ड सिलेबस के लिए भी उन्होंने उन टॉपिक्स को एक्सक्लूड कर दिया था। एंड मैं अपने सब्जेक्ट की बात करूंगा, दैट इज लॉ एंड ऑडिट की बात करूंगा, कि काफी स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन है कि सर एग्जैक्टली क्या क्या चीजें एक्सक्लूडेड हैं और एग्जैक्टली क्या क्या चीजें स्टडी करनी है, मैं एग्जैक्टली समझ नहीं आ रहा है। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको लॉ के बारे में बताने वाला हूँ, लॉ के बारे में आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ, ऑडिट के बारे में एक सेपरेट डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा, राइट। इस वीडियो के अंदर लॉ के बारे में आपको एग्जैक्ट एक्सक्लूजन बताने वाला हूँ, व्हाट आर द एग्जैक्ट एक्सक्लूजन, और साथ ही साथ एक गुड न्यूज भी है आपके लिए, एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट भी है आपके लिए। तो देखते हैं इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट क्या है, वो भी डिस्कस करेंगे। अब देखिएगा, सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं कि आखिर क्या क्या टॉपिक्स एक्सक्लूड हुआ है लॉ के सिलेबस में से। दो टॉपिक्स जो बिल्कुल एक्सक्लूड हो गया, मतलब हाथ नहीं लगाना है आपको, आपने हो सकता है मार्केट से कोई भी बुक परचेज कर रखी हो, आपने हो सकता है किसी भी टीचर की पेनड्राइव क्लासेस परचेज कर रखी हो, ये टॉपिक्स आपके बुक में या आपके पेनड्राइव क्लासेस में जरूर होगा, बिकॉज जब वो बुक बनाई गई होगी या जब वो पेनड्राइव क्लासेस बनाई गई होगी तो उस वक्त उस टीचर को नहीं पता होगा कि भाई वो टॉपिक साइज के एक्सक्लूड करने वाला है। तो प्लीज आप मेक श्योर करें कि आप ये टॉपिक अपने आप एक्सक्लूड कर दें और आप इन टॉपिक को हाथ बिल्कुल ना लगाएं। पहला टॉपिक प्रोड्यूसर कंपनीज, आपको बिल्कुल नहीं पढ़ना है, बिल्कुल नहीं पढ़ना है। हालांकि छोटा टॉपिक था, इजी टॉपिक था, स्कोरिंग टॉपिक था, बट एट द सेम टाइम इरेलेवेंट टॉपिक था। उसके बाद एक टॉपिक जिसके लिए आई बिलीव कि स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा खुश हैं कि सर थैंकफुली आईसीआर ने यह टॉपिक हटा दिया, दैट इज द सेबी आईसीडीआर रेगुलेशंस। सेबी आईसीडीआर रेगुलेशंस भी आपको बिल्कुल नहीं पढ़ना है। अब देखिएगा, बी वेरी वेरी केयरफुल, काफी स्टूडेंट यहाँ पे क्या गलती कर रहे हैं, दे आर कंफ्यूजिंग सेबी एक्ट फ्रॉम सेबी आईसीडीआर की सेबी बिल्कुल नहीं पढ़ना है, ऐसा नहीं है। आप देखें तो अगर हम ओल्ड सिलेबस की बात करें तो ओल्ड सिलेबस के अंदर सेबी के दो पार्ट्स हैं, सेबी एक्ट एंड सेबी आईसीडीआर। एंड अगर हम न्यू सिलेबस की बात करें तो न्यू सिलेबस के अंदर सेबी के तीन पार्ट्स थे, सेबी एक्ट, सेबी आईसीडीआर एंड सेबी लोडर रेगुलेशंस। तो अभी भी ओल्ड सिलेबस वालों के वाले स्टूडेंट्स को सेबी एक्ट पढ़ना है, और अभी भी न्यू सिलेबस वाले स्टूडेंट्स को क्या पढ़ना है, सेबी एक्ट और सेबी लोडर पढ़ना है। सिर्फ आईसीडीआर एक्सक्लूड हुआ है, बी वेरी वेरी केयरफुल। उसके बाद अगर हम मिसलिनियस प्रोविजंस के चैप्टर की बात करें तो मजे की बात यह है यार, खास करके मिसलिनियस प्रोविजंस, एनसीएलटी, वाइंडिंग अप, आईबीसी, इन सब में जो एक्सक्लूजन आया, सरफासी, इन सब में जो एक्सक्लूजन आया है कि मजा आ गया, दिल खुश हो गया। मेरे जितने भी पेनड्राइव स्टूडेंट्स, आप सब जानते हो कि जब मैं एक्सक्लूजन की बात करूंगा आप बोलोगे सर हमने तो कभी पढ़ा ही नहीं है, ना हमारी बुक में है, ना कभी हमने क्लासेस में स्टडी करा, बिकॉज मैं पहले से ही बोलता था कचरा टॉपिक है, मत पढ़ो, ज्यादा से ज्यादा 4-5 नंबर का आएगा और बेकार में बहुत मेहनत करनी होगी, और इंस्टीट्यूट ने यह सारा टॉपिक हटा ही दिया। तो देखें, मिसलिनियस प्रोविजंस के अंदर सेक्शन 366 से लेकर 378 आपको नहीं पढ़ना है, सेक्शन 396 से 404 तक आपको नहीं पढ़ना है, सेक्शन 405 आपको नहीं पढ़ना है, सेक्शन 448 आपको नहीं पढ़ना है, 449 आपको नहीं पढ़ना है, 451 टू 454 आपको नहीं पढ़ना है, और 456 से लेकर 470 आपको नहीं पढ़ना है। तो मिसलिनियस प्रोविजंस के अंदर आपको क्या क्या नहीं पढ़ना है सर, सेक्शन 376 टू 366 टू 378, 396 टू 404, 405, 448, 449, 451 टू 454, 456 टू 470, तो ये सारे सेक्शन हटा दिए गए। एनसीईआरटी के अंदर इंस्टीट्यूट ने एक्जैक्टली स्पेसिफाई नहीं करा कौन सा सेक्शन नहीं पढ़ना है, खाली उन्होंने बोला जो कॉम्पोजिशन वाला पार्ट है या जो सैलरी एंड अलावेंसेज वाला पार्ट है वो आपको नहीं पढ़ना। तो उसके लिए मैंने आपके लिए लिस्ट बना दी है कि कौन सा सेक्शन आपको नहीं पढ़ना है। एनसीईआरटी के अंदर मेनली 408 से लेकर 411 तक जो सेक्शन है, 408, 409, 410, 411 एंड सेक्शन 414, ये पांच सेक्शन आपको स्टडी नहीं करना है। जो मेरे स्टूडेंट्स हैं तो हमने एनसीईआरटी के अंदर ऐसा सेक्शन वाइज पढ़ा ही नहीं है, बिकॉज एनसीईआरटी में मैंने आपको बताया था कि सेक्शन नंबर याद करने की जरूरत नहीं है, तो एनसीईआरटी में मैंने आपको सेक्शन वाइज पढ़ाया ही नहीं है, कॉन्सेप्ट वाइज ही पढ़ाया है, तो आपको इस चीज को बॉदर करने की जरूरत ही नहीं है। उसके बाद वाइंडिंग अप की अगर हम बात करें तो वाइंडिंग अप के अंदर रैदर देन द टॉपिक्स रिमूव्ड दे हैव मेंशन कि क्या क्या टॉपिक्स हमने रिटेन करा है, बोला सेक्शन 271 से लेकर 303 तक हमने रिटेन किया है, बट आपको मैं बता दूं कि भले ही 271 से लेकर 303 तक इंस्टीट्यूट ने रिटेन करा है, आप कुछ पढ़ें या ना पढ़ें, सेक्शन 271, 272 एंड 276 तीन सेक्शन जरूर कर लीजिएगा, तीन सेक्शन जरूर कर लीजिएगा, भले ही आप ये 271 से 303 के ब्लॉक में और कुछ करें या ना करें। सेक्शन 324 टू 336,
सेक्शन 332 4 टू 336 के ब्लॉक को अगेन इंस्टीट्यूट ने रिटेन करा है। इस ब्लॉक के अंदर भी आप कुछ करें या ना करें, मैं आपको टॉपिक्स मार्क करा रहा हूँ, सेक्शन 326 से लेकर सेक्शन 333 तक आप जरूर कर लीजिएगा। सेक्शन 344 to 347 and 352 to 358 are to be studied from winding up and the remaining topics are excluded. लेकिन winding up एक ऐसा topic है कि hardly 4 number का आता है और जितना content भी already मतलब institute ने retain करा है वो भी बहुत ज़्यादा है। Practically बताऊँ वो भी बहुत ज़्यादा है। If you just count 271 से लेके 303, 32 sections, 334 to 336, 12 sections, मतलब 44 हो गया, फिर 47 हो गया और फिर 53 हो गया। मतलब यार 53 सेक्शन स्टार नंबर के लिए नॉट फिजिबल, नॉट एडवाइजेबल। अभी भी मैं एडवाइस कर रहा हूँ कि वाइंडिंग अप पूरी पढ़ने की जरूरत नहीं है जितना इंस्टीट्यूट ने रिटेन करा है, बिकॉज 53 सेक्शन फॉर 4 मार्क्स नॉट फिजिबल। ठीक है, तो सेक्शन 271, 272, 276 एंड सेक्शन 326 से लेकर जो 333 का पार्ट है, इतना आप जरूर अच्छे से कर लेना, बाकी आपकी मर्जी के ऊपर है। आईबीसी के अंदर क्लैरिफाई किया गया है कि सेक्शन 59 ऑनवर्ड्स तो हमारे सिलेबस में है और सेक्शन 60 ऑनवर्ड्स एक्सक्लूड कर दिया गया है आईबीसी के सिलेबस से। बहुत अच्छी बात है, पहले भी हम लोग आईबीसी में सेक्शन 60 ऑनवर्ड्स नहीं पढ़ते थे, बिकॉज मैंने आपको हमेशा बताया था कि बिल्कुल बेकार टॉपिक्स हैं। सरफासी के अंदर जो सरफासी का चैप्टर है, कचरा भर रखा था इंस्टीट्यूट ने, कचरा भर रखा था, और 4 नंबर का क्वेश्चन आना है खाली, वो भी कभी आना है कभी नहीं आना है। और प्रैक्टिकली मजे की बात बताऊं, जो जो चीजें मैं क्लास में 2 साल से पढ़ा रहा हूं ना, वही सारे इंस्टीट्यूट ने रिटेन करा है, बाकी सब एक्सक्लूड कर दिया। मतलब ऐसा लग रहा है कि दिल से दिल का कनेक्शन है इंस्टीट्यूट के साथ। तो अब सरफासी में क्या स्टडी करना है आपको, सारे डेफिनेशन, जितने भी डेफिनेशन है बहुत इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 9 to 17 का जो पार्ट है, सेक्शन 9 to 17 का जो पार्ट है, जहां पे मैनेजमेंट को कैसे टेक ओवर करना है, सेक्योरिटी इंटरेस्ट को कैसे इन्फोर्स करना है, कंपेंसेशन की बातें हैं, ये सारी चीजें कही गई हैं। एंड हालांकि इंस्टीट्यूट के नोटिफिकेशन के हिसाब से सेक्शन 31 कवर्ड नहीं है, बट सेक्शन 31 मैं बता रहा हूं आपको क्या पढ़ लेना, विच इज टॉपिक टॉकिंग अबाउट नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ द सरफासी एक्ट। तो ये सेक्शन आप जरूर से देख लेना। तो डेफिनेशंस का पार्ट आपको देखना है, सेक्शन 9 टू 17 आपको देखना है, सेक्शन 31 आपको देखना है, बाकी कुछ भी आपको सरफासी में नहीं पढ़ना है। उसके बाद आता है फेमा। अगेन मजे की बात यह है कि फेमा के अंदर मेरे स्टूडेंट को स्पेशली टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बिकॉज जो जो पार्ट स्टार्टिंग से मैंने छुड़वा रखा था, मैंने हमेशा बोला था भाई 4 नंबर का टॉपिक है, रेगुलेशंस में दिमाग मत मारना, कोई सेंस नहीं बनता, इतने सारे रेगुलेशन से दिमाग मत लगाना, कोई सेंस नहीं बनता। इंस्टीट्यूट ने एक्सक्लूड ही कर दिया, सारा रेगुलेशन हटा दिया, बोला जो भी कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन रिलेटेड टॉपिक है आप वो पढ़ें, जो भी करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन रिलेटेड टॉपिक्स आप वो पढ़ें, और जो भी एक्सपोर्ट रेगुलेशन आप वो पढ़ें। तो इंस्टीट्यूट ने सिर्फ 3 चीजें पढ़ने को कहा है, कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन, करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन एंड द एक्सपोर्ट रेगुलेशन। बट अब डेफिनेशन ऑफ पीआरआई समथिंग आप इग्नोर नहीं कर सकते, तो डेफिनेशन ऑफ पीआरआई हालांकि इंस्टीट्यूट ने अपने नोटिफिकेशन में नहीं बताया है, लेकिन आप इसे जरूर पढ़ लीजिएगा। और एडजुडिकेशन पार्ट जो है, दैट इज एडजुडिकेशन पार्ट में जो पेनल्टी वाला पार्ट है, एडजुडिकेशन पार्ट में स्पेशली जो पेनल्टी वाला पार्ट है और स्पेशली जो कंपाउंडिंग वाला पार्ट है, अगेन ये पार्ट इंस्टीट्यूट ने अपने नोटिफिकेशन में नहीं बताया है, बट मेरा एडवाइस है कि आप ये टॉपिक जरूर पढ़ लीजिएगा। सारे रेगुलेशन आप ऑमिट कर सकते हैं इसके अंदर से, ठीक है। तो ये लिस्ट ऑफ एक्सक्लूजन्स हैं कि लॉ के अंदर आपको क्या क्या चीजें स्टडी नहीं करनी है और क्या क्या चीजें स्टडी करनी है। कुल मिलाकर ये जो नोटिफिकेशन का इंपैक्ट है, ये इन्हीं 8 चैप्टर्स के अंदर आया है। कुल मिलाकर ये जो नोटिफिकेशन का इंपैक्ट है सर, ये इन्हीं 8 चैप्टर्स में से आया है और बाकी टॉपिक्स में इनका कोई इंपैक्ट नहीं है। सिर्फ इन 8 चैप्टर्स में ही इस रेगुलेशन का इंपैक्ट है, जो आईसीए का नया नोटिफिकेशन है उसका इंपैक्ट है। ये सारा एक्सक्लूजन्स नवंबर 19 एग्जाम ऑनवर्ड्स है, और ये ओल्ड सिलेबस के लिए भी है, न्यू सिलेबस स्टूडेंट्स के लिए भी है, क्लैरिफाई कर रहा हूं मैं। एक और चीज बता रहा हूँ यार, ओल्ड सिलेबस स्टूडेंट्स का काफी मैसेजेस आ रहा है, यूट्यूब के वीडियो में भी कमेंट आ रहा है, सर में नोटिफिकेशन नहीं दिख रहा वेबसाइट के अंदर। भाई आपको नोटिफिकेशन इसलिए नहीं दिख रहा बिकॉज इंस्टीट्यूट ने ना ओल्ड सिलेबस में डायरेक्ट नोटिफिकेशन नहीं दिया अपडेट्स के अंदर। आप देखोगे तो वहां पे एक दिया हुआ सीए फाइनल अंडर रेगुलेशन 31 करके कुछ दिया हुआ है, उसके अंदर इंस्टीट्यूट ने नोटिफिकेशन दिया हुआ है, इसीलिए आपको वो नहीं मिल रहा। बट रेफरेंस के लिए मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी शेयर कर दूंगा, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है भाई, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो आई बिलीव इट इज वेरी वेरी क्लियर कि इन 8 चैप्टर्स के अंदर ही क्या करना है सर, आपको इन चीजों का ध्यान रखना है। जस्ट इन दिस 8 चैप्टर्स 2 चैप्टर्स टोटली टू बी इग्नोर्ड, 6 चैप्टर्स यू हैव टू रिमेंबर द एक्सक्लूजन पार्ट। तो आपका सिलेबस थोड़ा बहुत तो छोटा हो गया है, अब आपका सिलेबस जो है अब थोड़ा बहुत तो कंसाइज हो गया है कंपैरेटिवली। अब देख ली, एक अनाउंसमेंट मुझे और करना है, दैट इज हमारा जो अपना मेंटल टेस्ट सीरीज है,
जो अपना मेंटल टेस्ट सीरीज है, वेरी पॉपुलर टेस्ट सीरीज, यू ऑल हैव मेड इट वेरी वेरी सक्सेसफुल. सो अपना मेंटल जो टेस्ट सीरीज है, जहाँ पे हम चैप्टर वाइज टेस्ट कंडक्ट करते हैं, तो काफी स्टूडेंट्स का रिक्वेस्ट आ रहा था, सर प्लीज आप हमें लॉ एंड ऑडिट का जो सिलेबस रहने वाला है टेस्ट का उसके बारे में बता दीजिए. राइट, तो लॉ एंड ऑडिट का जो सिलेबस रहने वाला है टेस्ट का, आप उसके बारे में बता दीजिए, टेस्ट का पैटर्न क्या रहेगा उसके बारे में बता दीजिए, इवैल्यूएशन कब से शुरू होगा उसके बारे में बता दीजिए. ठीक है, सो दैट इज व्हाई आई एम जस्ट इन्फॉर्मिंग यू दैट. एक बार वीडियो आप आखिरी तक जरूर देख लेना भाई, जिसको टेस्ट पेपर्स नहीं देना है आप भी देख लीजिएगा, बिकॉज लास्ट में देयर इज समथिंग विच इज वेरी वेरी यूजफुल टू यू. तो देखिएगा यहां पे जो लॉ का टेस्ट रहेगा, अभी मैं सिर्फ लॉ की बातें कर रहा हूं, एक वीडियो अलग से ऑडिट के लिए बनेगा जिसमें मैं सिर्फ ऑडिट से ऑडिट के लिए बातें करूंगा. तो देखिएगा जो लॉ का टेस्ट पेपर है, लॉ का टेस्ट, अब अपना मेंटल का जो टेस्ट होता है दैट इज कंडक्टेड बाय ये टीम ऑफ प्रोफेशनल्स, नवंबर 18 के अंदर हमारा 63.75% का पासिंग परसेंटेज आया था. ये इन्फॉर्मेशन उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनको इसके बारे में नहीं पता. हमारा कॉन्सेप्ट ये है कि हम चैप्टर वाइज टेस्ट कंडक्ट करते हैं, 100 मार्क टेस्ट कंडक्ट करते हैं. चैप्टर वाइज टेस्ट का ऑब्जेक्टिव ये है कि जो स्कूल डेज के अंदर आप चैप्टर वाइज टेस्ट दिया करते थे, जो प्रोफेशनल एग्जाम सीए में आने के बाद छूट गया है, वो चीज हम दोबारा से जिंदा कर सकें. तो इसके अंदर हर सब्जेक्ट के अंदर, 8 के 8 सब्जेक्ट के अंदर हमने चैप्टर वाइज टेस्ट में डिवाइड कर रखा है, छोटे छोटे टेस्ट में डिवाइड कर रखा है, और हर टॉपिक का छोटे छोटे टेस्ट लिया जाता है, फिर 100 मार्क का टेस्ट लिया जाता है, कंप्लीट इवैल्यूएशन होती है, एमसीक्यू पेपर्स में एमसीक्यू के पार्ट का भी इवैल्यूएशन होता है. तो हर एक चीज से आपको प्रिपेयर किया जाता है. राइट, अब देखिएगा कुल मिलाकर जो हमारे पास लॉ का टेस्ट रहने वाला है, ओल्ड सिलेबस के जो स्टूडेंट्स हैं सर उनके लिए 11 टेस्ट रहेगा. ओल्ड सिलेबस के जो स्टूडेंट्स हैं सर उनके लिए कुल मिलाकर 11 टेस्ट रहेगा. आई एम जस्ट करेक्टिंग द नंबरिंग आउट हियर. एंड न्यू सिलेबस के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए 10 टेस्ट रहेगा, 1 टेस्ट कम रहेगा बिकॉज आपका सिलेबस थोड़ा सा छोटा है कंपैरेटिवली. ठीक है, तो अब देखिएगा हर एक जो चैप्टर वाइज टेस्ट है ना, हर एक टेस्ट 25-25 मार्क का है. उसके बाद आपके 200 मार्क के टेस्ट होंगे और एक कंप्लीट 100 मार्क का एमसीक्यू टेस्ट होगा. और इनफैक्ट हर एक चैप्टर के अंदर 70% डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 30 मार्क्स 30% एमसीक्यू बेस में पूछा जाएगा. बट डिपेंड करता है चैप्टर बाय चैप्टर, हो सकता है कुछ चैप्टर्स में हम एमसीक्यू ज्यादा ना पूछें और कुछ चैप्टर्स में एमसीक्यू ज्यादा भी पूछ लें. बट जो 100 मार्क्स का पेपर होगा उसके अंदर बिल्कुल वही रेशियो रहने वाला है कि 30% एमसीक्यू 70% डिस्क्रिप्टिव, और जो 100 मार्क का एमसीक्यू पेपर रहने वाला है दैट विल बी 100 मार्क्स का एमसीक्यू. तो अब देखना यहाँ पे टेस्ट को हमने कौन कौन से टॉपिक्स में डिवाइड करा है. पहला जो यूनिट हमने रखा है दैट इज मीटिंग ऑफ बोर्ड एंड इट्स पावर्स एंड सेक्रेटेरियल प्रैक्टिस. बहुत ही लॉजिकल मैनर में ये सीक्वेंस डिवाइडेड है. नॉर्मली जो सेक्रेटेरियल प्रैक्टिस का क्वेश्चन बनता है वो बोर्ड मीटिंग के साथ ही बनता है, बोर्ड मीटिंग के टॉपिक्स के ऊपर ही बनता है, इसलिए साथ में रख दिया. ये टेस्ट आपका 25 मार्क्स का रहेगा. राइट, दिस टेस्ट विल बी ऑफ 25 मार्क्स. एग्जाम के अंदर भी आप देखोगे तो इन दो टॉपिक्स का वेटेज 12 नंबर का रहता ही रहता है. तो 12 नंबर का जो टॉपिक है उसका डेडिकेटेड टेस्ट है 25 नंबर का. उसके बाद अगला टेस्ट है आपके लिए अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर्स, अपॉइंटमेंट एंड रेमुनरेशन ऑफ मैनेजरियल पर्सनल, मतलब चैप्टर 11 एंड 13 डायरेक्टर्स के दो चैप्टर. ये भी करीबन 12 टू 15 मार्क्स का एग्जाम में पूछा जाता है, 12 से 15 नंबर का 25 मार्क का आपका टेस्ट है. उसके बाद अगले टेस्ट में 3 सिमिलर चैप्टर्स रखे हमने, इंस्पेक्शन इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन एक चैप्टर होगा, कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट एक होगा, ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट एक होगा. तो इन 3 चैप्टर्स का एक अलग से डेडिकेटेड टेस्ट होगा 25 नंबर का. उसके बाद आईबीसी कोड एंड वाइंडिंग अप, काफी स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होता है, इसलिए दोनों का टेस्ट साथ में रखा है, 25 मार्क का टेस्ट होगा. अगेन आईबीसी कोड 10 मार्क्स, वाइंडिंग अप 4 मार्क्स, 14 मार्क्स का वेटेज एग्जाम में रहता है. डिविडेंड कंपनी अकाउंट्स कंपनी ऑडिट, ये टेस्ट सिर्फ ओल्ड सिलेबस वालों के लिए है, न्यू सिलेबस वालों के लिए नहीं है. राइट, अगेन ये 25 नंबर का टेस्ट होगा. उसके बाद कंपनी लॉ के जो छोटे छोटे चैप्टर्स है, रिमूवल ऑफ कंपनीज नेम, रजिस्टर्ड वैल्यूअर, मिसलिनियस, एनसीएलटी, स्पेशल कोड, फॉरेन कंपनीज. तो ये जो पार्ट है इसका 25 नंबर के अलग से डेडिकेटेड टेस्ट रहेगा ताकि आप इस पे भी फोकस करें. जब कंपनी लॉ को हमने कवर कर लिया, आईबीसी को हमने कवर कर लिया, नाउ वी आर कमिंग टू द अलाइड लॉ पोर्शन, द इकोनॉमिक लॉ पोर्शन, फेमा एंड द सेबी एक्ट. कंसिडरिंग इन माइंड द लेटेस्ट नोटिफिकेशन बाय द इंस्टीट्यूट, 25 नंबर का टेस्ट रहेगा. एससीआरए, सरफासी एंड पॉमला, अगेन ये 25 नंबर का इसका टेस्ट रहेगा, एससीआरए, सरफासी एंड पॉमला. उसके बाद जो अगला टेस्ट रहेगा ये सिर्फ न्यू सिलेबस वालों के लिए रहेगा सर, ओल्ड सिलेबस वालों के लिए नहीं रहेगा. दैट इज द आर्बिट्रेशन एंड काउंसलेशन एक्ट, एफसीआरए एक्ट, द सेबी लोडर रेगुलेशंस, 25 नंबर का टेस्ट रहेगा. देन एक फुल सिलेबस का टेस्ट होगा 100 मार्क्स का, फिर एक और फुल सिलेबस का टेस्ट होगा 100 मार्क्स का, और एक एमसीक्यू पेपर का टेस्ट होगा 100 मार्क्स का. ये जो टेस्ट होगा बिल्कुल आईसीआई का पैटर्न के हिसाब से होगा, इवैल्यूएशन भी आईसीआई के पैटर्न के हिसाब से होगा, चेकिंग के पैरामीटर्स भी आईसीआई वाले पैरामीटर्स होंगे. इट्स लाइक प्रिपेयरिंग इन द एग्जाम बिफोर योर एग्जाम्स, प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम बिफोर योर एग्जाम्स. बट यहाँ पे फर्क ये होगा कि आपको इंस्टीट्यूट का जब चेकिंग मिलता है तो आपको सिर्फ ओवरऑल मार्क्स दे दिया जाता है,
यहाँ पे आपको हर एक आंसर का कमेंट दिया जाएगा, आपको ओवरऑल कमेंट दिया जाएगा, आपको ओवरऑल इवैल्यूएशन दिया जाएगा, सब कुछ दिया जाएगा, सब कुछ दिया जाएगा, ठीक है। ऑल ऑफ दिस थिंग विल बी प्रोवाइडेड। हम कोई झूठे वादे आपके साथ नहीं कर रहे यहाँ पे, जो है वो बता रहे हैं आपको कि दिस आर द थिंग्स दैट विल बी प्रोवाइडेड टू यू। ये जो टेस्ट होगा ये कंप्लीटली एक अनशेड्यूल्ड प्रोग्राम होगा, अनशेड्यूल्ड प्रोग्राम होगा। अनशेड्यूल्ड मतलब अभी आप रजिस्टर सपोज कराते हो, रजिस्ट्रेशन हैज बिकम ऑन, रजिस्ट्रेशन चालू हो चुका है, अपना mental.com में जा सकते हैं, आप रजिस्टर करा सकते हैं, 8 के 8 सब्जेक्ट का रजिस्ट्रेशन चालू हो चुका है। तो अभी आप रजिस्टर कराते हो, अगस्त 1 से इवैल्यूएशन चालू है, और जो इवैल्यूएशन चालू रहेगा वो 31 अक्टूबर तक रहेगा। अगस्त 1 से इवैल्यूएशन चालू है, 31 अक्टूबर तक इवैल्यूएशन चालू रहेगा, तो आप अपने हिसाब से क्या कर सकते हो, टॉपिक्स को कभी भी प्रिपेयर कर सकते हो, कभी भी टेस्ट दे सकते हो। यू कैन गिव द टेस्ट एनी टाइम, देयर इज नो बाउंडेशन कि आपको कौन से दिन टेस्ट देना है। फॉर द स्टूडेंट्स जो चाहते हैं कि हम एक शेड्यूल्ड प्रोग्राम के तहत टेस्ट दें, तो हमने आपको एक ऑप्शन प्रोवाइड करा है कि आप वहां पे ना अपने टेस्ट शेड्यूल कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आपने पहले ही शेड्यूल कर दिया कि भाई मीटिंग ऑफ बोर्ड एंड इट्स पावर्स का टेस्ट मेरे को 5 अगस्त को देना है, तो वो पेपर आपके डैशबोर्ड में आपको 5 अगस्त को ही मिलेगा, उससे पहले आपको नहीं मिलेगा। तो इस तरीके का हमने फीचर वहां पे डाल दिया है, बाकी आपकी मर्जी है कि आप जो टेस्ट जब देना चाहें 31 अक्टूबर तक दे सकते हैं, आपकी मर्जी है, योर विश। हर एक आंसर का हम कमेंट दे देंगे, आपको ओवरऑल इवैल्यूएशन प्रोवाइड कर देंगे। अब यहाँ पे जो एक गुड न्यूज की बात कर रहा था, एक अच्छे न्यूज की बात कर रहा था सर, मैं क्या प्रोवाइड कर क्या बात कर रहा था मैं, दिस टाइम व्हाट आई हैव डन इज, एक तो ये टेस्ट का जो सिक्वेंसिंग है बहुत लॉजिकल है, अनदर एडवाइस दैट आई एम गिविंग यू कि आप इस टेस्ट को सिक्वेंस में दीजिएगा। थर्ड थिंग मैं क्या करने वाला हूँ आपके असिस्टेंस के लिए, आपके प्रिपेरेशन के लिए, जो रिविजनरी वॉइस क्लिप्स है ना आपको जल्दी प्रोवाइड कर दूंगा। यस, जो फ्री रिविजनरी वॉइस क्लिप्स है दैट इज वेरी वेरी पॉपुलर अमंग द स्टूडेंट्स कम्युनिटी, थैंक यू फॉर सो मच ऑफ लव, वो जो रिविजनरी वॉइस क्लिप्स है आपको जल्दी प्रोवाइड कर दूंगा मैं। इस बार हमेशा एग्जाम से 1 महीना पहले तक आपको मिलता है, इस बार मैं कोशिश करूंगा पूरा कि आपको जुलाई के अंदर ही मैं सारे के सारे रिविजनरी वॉइस क्लिप्स प्रोवाइड कर दूं, राइट। सो दैट इज अ गुड न्यूज फॉर यू ऑल। ये रिविजनरी जो वॉइस क्लिप्स है हर किसी के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, आप लॉ को रिविजनरी वॉइस क्लिप्स के बाद 8 घंटे के अंदर पूरा लॉ रिवाइज कर सकते हो। उसके बाद आपको मैं ऑडिट का रिविजनरी वॉइस क्लिप प्रोवाइड करूंगा, हो सकता है अगर जुलाई में ना कर पाऊं अगस्त में करूं, तो वहां पे भी आप पूरा ऑडिट 8 घंटे में रिवाइज कर पाओगे। अब रिविजनरी वॉइस क्लिप पहले प्रोवाइड करने का ऑब्जेक्टिव इस बार ये है कि आप रिपीटेडली वॉइस क्लिप को सुन सकें एग्जाम तक। हार्डली 8 घंटा पूरा लॉ का रिविजन, मतलब अगर आपने डेली बेसिस में भी आधा घंटा वॉइस क्लिप सुन लिया, मतलब आप 1 महीने के अंदर बिना कुछ किए एक बार लॉ को रिवाइज कर रहे हो, एग्जाम तक 4 बार लॉ को रिवाइज कर रहे हो विदाउट डूइंग एनीथिंग। प्लस आप जब ये टेस्ट का भी प्रिपरेशन करोगे तो अकॉर्डिंगली आप यूनिट वाइज वॉइस क्लिप सुनकर टेस्ट का प्रिपरेशन कर सकते हो, राइट। सो दैट इज वाई दिस टाइम आपको जो वॉइस क्लिप्स है वो जल्दी मिल जाएंगी, अपना mental.com में मिल जाएंगी। रिविजनरी वॉइस क्लिप्स के लिए एक तो आपको मेरे साथ मेरे टेलीग्राम चैनल में कनेक्टेड रहना ही रहना है, वो तो कंपलसरी रूल बना ले, यू हैव टू स्टे कनेक्टेड इन द टेलीग्राम चैनल, दैट इज अ लाइफ लाइन फॉर द सीएस स्टूडेंट्स। एंड साथ ही साथ जो अपना मेंटर का हमारा वेबसाइट है अपनामेंटर.com, वहां आपको सारे रिविजनरी वॉइस क्लिप्स मिल जाएंगे, ऑल द रिविजनरी वॉइस क्लिप्स यू विल बी गेटिंग इन द वेबसाइट अंडर द सानिध्य सराफ ऑडियो नोट सेक्शन, राइट। तो वो सारे वॉइस क्लिप्स सर आपको वहां पे मिल जाएंगे। ये जो वॉइस क्लिप्स है मेरे पेनड्राइव स्टूडेंट्स ऑब्वियसली यूज कर ही सकते हैं, उनके लिए तो संजीवनी की तरह है, और जो पेनड्राइव स्टूडेंट्स नहीं है आपके लिए भी बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है, जिन्होंने मुझसे क्लासेस नहीं ली है, सिर्फ सेल्फ स्टडी कर रहे हैं मेरी बुक वगैरह को यूज करके, या फिर किसी और टीचर से भी आपने कोचिंग ले रखी है, उनके लिए भी बहुत यूजफुल है। आप जब ये टेस्ट देंगे तो टेस्ट देते वक्त भी रिविजनरी वॉइस क्लिप्स को जरूर यूज करिएगा, जरूर यूज करिएगा, दैट इज गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट। सो दिस वॉज द सरप्राइज गिफ्ट, द सरप्राइज अनाउंसमेंट फ्रॉम माई साइड दैट आई वॉज टॉकिंग अबाउट, राइट, जिसके बारे में हम बात कर रहे थे। बिकॉज पढ़ना अच्छी बात है, बट पढ़ने से ज्यादा इंपॉर्टेंट यह है कि आप कैसे अपने स्टडी को कंसाइज कर सकें, कैसे 1.5 डेज के अंदर अपनी प्रिपरेशन को फिट कर सकें, और हमारा जो वॉइस क्लिप है उसी रिगार्डिंग में एक छोटा सा तोहफा है आपके लिए। साथ ही साथ एक चीज हम और करने वाले हैं कि यार एक लॉ का क्वेश्चन बैंक जो मैंने निकाला है, लॉ के क्वेश्चन बैंक के अंदर ये जितने भी एक्सक्लूजन है ना, इन सारे एक्सक्लूजन को हटा दिया मैंने, मतलब इससे रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन था उन सबको हटा दिया, जितना भी क्वेश्चन था। सो आपको जो क्वेश्चन बैंक मिलेगा वो क्वेश्चन बैंक आपको अपडेटेड मिलेगा इन टॉपिक्स को एक्सक्लूड करने के बाद, ठीक है। सो दैट इज समथिंग यू हैव टू कीप इन माइंड। अच्छा सर ये जो क्वेश्चन बैंक मिलेगा कहां से मिलेगा? ये जो क्वेश्चन बैंक मिलेगा यार पे फोन नंबर नोट डाउन कर लो, 69019 5055, 6901955, आप एक फोन नंबर नोट डाउन कर लो, आपको जो भी असिस्टेंस चाहिए आप यहां कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। लेकिन मेक श्योर
कि अगर आपको टेस्ट सीरीज के बारे में इंक्वायरी करनी है, अगर आपको टेस्ट सीरीज के बारे में इंक्वायरी करनी है, आप 69019 में कॉल मत करिएगा, आप अपना मेंटर विजिट करिए www.apnamentor.com। कंप्लीटली अगर आपको टेस्ट सीरीज के बारे में जानना है, आपको टेस्ट सीरीज में रजिस्ट्रेशन कराना है, आप अपना मेंटर का वेबसाइट विजिट करें। अगर आपको मेरे फ्री रिसोर्सेज चाहिए, अगर आपको मेरा रिविजनरी वॉइस क्लिप्स चाहिए, आप कहाँ विजिट करें? अपना मेंटर विजिट करें। अगर आपको मेरे क्लासेस परचेज करनी है, आप कहाँ विजिट करें? अपना मेंटर विजिट करें, राइट? अगर आपको मेरे फ्री पीडीएफ नोट्स चाहिए, फ्री समरी नोट्स चाहिए, वो भी कहाँ अवेलेबल है सर? अपना मेंटर में अवेलेबल है। तो वो सब कुछ अपना मेंटर डॉट कॉम के अंदर अवेलेबल है। सो दिस वॉज द वीडियो फ्रॉम माई साइड। ये जो एक्सक्लूजन्स वाला पार्ट है, ये जो कंप्लीट शीट है, ये मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा मेरे टेलीग्राम चैनल के अंदर, राइट? तो आई विल बी प्रोवाइडिंग विथ यू, प्रोवाइडिंग आई विल बी शेयरिंग दिस विथ यू इन माय टेलीग्राम चैनल, और टेलीग्राम चैनल का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। अगर सपोज आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं कर पाते हो इस लिंक को जो यूज करके, आप क्या करो, गूगल में सर्च करो टेलीग्राम लिंक सी एस अनिता सराफ, या फिर लॉ एंड ऑडिट सागर टेलीग्राम लिंक, आपको गूगल में लिंक मिल जाएगा, आप उससे ज्वाइन कर पाओगे, ठीक है? सो आई बिलीव कि ये जो वीडियो है सर आपके लिए यूजफुल रहा होगा। फीस की डिटेल्स एंड सब कुछ आप अपने जो अपना मेंटर डॉट कॉम है वेबसाइट के अंदर जाकर चेक कर सकते हो। ऑल द कंप्लीट डिटेल्स यू कैन चेक फ्रॉम देयर। सिमिलरली एक ऑडिट का डिटेल्ड वीडियो आपके लिए बना दूंगा मैं। मैंने इस वीडियो में मर्ज नहीं करा ऑडिट को, बिकॉज वरना बहुत लेंथी बन जाता। एंड बाकी मुझे उम्मीद है कि आपने अपना प्रिपरेशन एक्टिवली स्टार्ट कर दिया होगा फॉर नवंबर 19 एग्जाम्स, बिकॉज ये ना सोचें कि अभी एग्जाम में टाइम है, आप ये सोचें कि अभी एग्जाम के लिए बिल्कुल टाइम नहीं है। एंड हर एक दिन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, हर एक मिनट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ऑल द वेरी वेरी बेस्ट।